करके कितने एलिमेंट्स थे, दो, तो दो तो चार पाँच छः, टोटल हो गया सिक्स, जो हमारा किसके बराबर था, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर था। तो ध्यान दीजिए ये भी हमारा एक क्या बन गया, साइक्लिक ग्रुप बन गया। क्यों साइक्लिक ग्रुप क्यों बन गया, क्योंकि जेड में जेड टू क्रॉस जेड थ्री में सिक्स ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने थे, दो हैं, और हमें पास कम से कम कितने चाहिए, वन एलिमेंट्स है, यहाँ तो दो हैं, तो ये हमारा जनरेटर होगा, सिक्स एलिमेंट्स के जो होंगे वो जनरेटर होंगे। यहाँ से हमको पता चला कि ये जो जेड टू क्रॉस जेड थ्री है ये हमारा क्या बना, एक साइक्लिक ग्रुप, और ये खुद भी साइक्लिक ग्रुप थे और इनका प्रोडक्ट अभी साइक्लिक ग्रुप आया। तो अब हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल भी है जो ये ग्रुप जी वन और जी टू साइक्लिक तो हैं बट इनका प्रोडक्ट साइक्लिक ग्रुप ना हो, एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल सोचने हैं आपको। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपने से एग्जाम्पल निकाल निकाल के, जितने एग्जाम्पल के थ्रू आप पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज इंक्रीज होते जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल खुद से सोचने हैं और बनाने हैं, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जेड ले लेते हैं, जेड टू और जेड फोर ले लेते हैं, क्या जेड टू जी को ले लेता हूँ, जेड टू क्रॉस जेड फोर, चेक करता हूँ क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। अब हम जानते हैं जेड टू क्या है ऑलरेडी, साइक्लिक ग्रुप, और जेड फोर भी क्या है हमारा, साइक्लिक ग्रुप है। तो इनका प्रोडक्ट भी चेक करना है, क्या ये साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, ऑर्डर कैलकुलेट। सब फर्स्टली आप लोग क्या चेक करेंगे, ऑर्डर जी, ऑर्डर जी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ जेड टू इंटू ऑर्डर ऑफ जेड फोर, और हम जानते हैं ऑर्डर जेड टू का कितना होता है टू और जेड फोर का फोर, टोटल हो गए एट। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो भी आपको लिख लेने हैं। तो उससे पहले जेड टू के एलिमेंट्स लिख लीजिए, जेड टू के एलिमेंट्स कौन होते हैं, जीरो और वन होते हैं। जेड फोर के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, तो जीरो वन टू थ्री ये लगते हैं। अब मॉडुलो क्या है, इसमें फोर, इसमें क्या है, मॉडुलो टू है, ठीक है। अब जेड टू क्रॉस जेड फोर के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, टोटल कितने हैं एट हैं, एट एलिमेंट्स इसमें आपको एंट्री करने हैं। अब वो एट एलिमेंट्स कौन होंगे, तो देखिए एट एलिमेंट्स बनेगा इनका कॉम्बिनेशन 00 01 02 03, नेक्स्ट है 10 11 11 12 13, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। अब इनका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, क्या है इनका ऑर्डर कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो अब इनका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, वही आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी कौन है हमारा, तो आइडेंटिटी तो कौन होता है, जो ई वन का आइडेंटिटी और ई टू इनका आइडेंटिटी हो जाए, तो इनका आइडेंटिटी हम जानते हैं जीरो है, इसका भी आइडेंटिटी जीरो, तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। तो फर्स्ट इनका ऑर्डर कितना हो गया, आइडेंटिटी का ऑर्डर यानी कि जीरो जीरो का ऑर्डर कितना हो गया, वन हो गया। नेक्स्ट आपको जीरो वन का ऑर्डर निकालना है, तो जीरो वन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जीरो वन, जीरो वन का ऑर्डर, तो आपको लॉजिक हमने बताया है कि एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जीरो का ऑर्डर इन जेड टू, ध्यान दीजिए जेड टू में पहले वाले का ऑर्डर पहले से चेक करेंगे, तो सेकंड वाले का सेकंड में ऑर्डर चेक करेंगे। तो जीरो का ऑर्डर इन जेड टू में चेक करना है, वन का ऑर्डर जेड फोर में चेक करना है। मैं यहाँ थ्योरी नहीं लिखूँगा, इन जेड टू इन जेड फोर, बस समझिए ऐसे ही। अब जीरो का ऑर्डर चेक कर लीजिए, तो इसमें इनका सबका ऑर्डर निकालना है, तो इसमें जीरो का ऑर्डर कितना है, दो में आइडेंटिटी है, तो वन इसका वन, तो इसका हो गया आपका एलसीएम वन, और ऑर्डर कितना था वन, इसमें इनमें इनका ऑर्डर देखिए वन, वन का ऑर्डर कितना होता है, तो वन और फोर का जीसीडी निकाल लीजिए, तो वन और फोर का जीसीडी कितना होता है वन, तो इसका मतलब वन का ऑर्डर कितना हो गया फोर, और थ्री, थ्री और फोर का भी जीसीडी वन आता है, इसलिए इसका भी ऑर्डर फोर हो। बाकी ये टू प्लस टू फोर, इसका ऑर्डर कितना होगा टू होगा, और इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर वन, आइडेंटिटी का ऑर्डर वन, इनका ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है, इनका ऑर्डर कितना होगा, तो ग्रुप है टू। अब ध्यान दीजिए वन का ऑर्डर हमने इनमें कितना लिखा है, वन का ऑर्डर जीरो का ऑर्डर इसमें तो वन, और वन का ऑर्डर इसमें चेक करना है, तो वन का ऑर्डर है इसमें फोर, तो ये बनेगा वन और फोर का एलसीएम फोर बनेगा, तो इनका ऑर्डर कितना हो गया फोर हो गया। सेकेंड थर्ड एक और एलिमेंट है हमारा जीरो टू, बारीकी से ऐसे ही आपको एक एक को लेके चेक करेंगे, और अभी लॉजिक बताऊंगा मैं, बट अभी पहले बेसिक तो सीख लीजिए कैसे निकालना है कैलकुलेट करना है। ऑर्डर ऑफ जीरो टू का, तो जीरो टू का एलसीएम निकाल लीजिए कितना आएगा, एलसीएम ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ टू,
जीरो का ऑर्डर जानते हैं, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है वन, और टू का ऑर्डर इसमें चेक करना है, टू का ऑर्डर इसमें कितना होता है टू होता है, किसमें जेड फोर में, तो टू का ऑर्डर जेड फोर में होता है हमारा टू होता है, इनका एलसीएम कितना आएगा टू हो जाएगा। तो ये हमने तीन ठोक पढ़ लिया, अब किसकी बारी आती है, जीरो टू हो गया, जीरो थ्री का ऑर्डर वन जीरो का ऑर्डर, तो जीरो थ्री का ऑर्डर क्या होता है फोर्थ नंबर ऑर्डर ऑफ जीरो कॉमा थ्री, जीरो थ्री का ऑर्डर क्या होगा, तो एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ थ्री, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। जीरो का ऑर्डर आइडेंटिटी है, तीन का ऑर्डर किस में फोर में, जेड फोर में, ये जेड फोर में, तो तीन और चार का जीसीडी वन होता है इसलिए इसका भी ऑर्डर फोर होगा, इन टोटल एलसीएम फोर हो गया। फिर फिफ्थ ऑर्डर ऑफ इसका कैलकुलेट करना, हमने कितना निकाल लीजिए, इसका निकाल लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, अब बच गया वन जीरो का निकालना है, तो वन जीरो का क्या होगा वन जीरो, वन जीरो का ऑर्डर, तो एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ वन कॉम ऑर्डर ऑफ जीरो, ध्यान दीजिए एलसीएम वन का ऑर्डर इसमें किस में जेड टू में, जेड टू में ऑर्डर कितना होता था टू, और जीरो ये आइडेंटिटी है इसका ऑर्डर वन, तो ये हो गया हमारा टू एलसीएम। सिक्स नंबर ऑर्डर ऑफ क्या बच गया हमारा, वन टू बचा और वन थ्री बचा, ठीक है, वन टू और वन थ्री हमने क्या क्या निकाल लिया है, आइडेंटिटी निकाल लिया है वन, टोटल एट एलिमेंट्स थे, एक दो तीन, तीन का निकाल लिया है, चार पाँच छः सात आठ, तीन और बचे, किसका किसका निकाल लिया, आइडेंटिटी का निकाल लिया है जीरो वन जीरो टू, अच्छा सॉरी जीरो जीरो का है ये, जीरो वन का है, जीरो टू का है, अभी जीरो थ्री का निकाल लिया हमने, और जीरो थ्री के बाद क्या है वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो के बाद वन वन का निकालना था, सॉरी वन वन का आइडेंटिटी चेक करते हैं, तो वन वन का आइडेंटिटी, वन वन का आइडेंटिटी क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ वन इन जेड टू ऑर्डर ऑफ वन इन जेड फोर, वन का ऑर्डर कितना होता है, वन का ऑर्डर किस में जेड टू में, जेड टू में वन का ऑर्डर ऑलवेज टू होते हैं, और वन का ऑर्डर फोर्थ में किस में, तो वन और फोर का जीसीडी फोर इसलिए फोर आ जाएगा, तो इनका एलसीएम फोर होगा। सेवन नंबर ऑर्डर ऑफ क्या बचे, और वन टू वन थ्री, वन टू और वन थ्री को चेक करना है, वन टू और एक लास्ट हमको चेक करना है ऑर्डर ऑफ वन थ्री का, इनका चेक करना है, तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ वन कॉम ऑर्डर ऑफ टू, हाँ जी एल वन का ऑर्डर किस में जेड टू में, जेड टू में वन का ऑर्डर टू होता है, टू का ऑर्डर टू होते हैं, इनका एलसीएम टू आएगा, इनका निकाल लीजिए एलसीएम ऑर्डर ऑफ वन ऑर्डर ऑफ थ्री, तो एलसीएम निकाला, वन का ऑर्डर जेड टू में टू होता है, तीन का ऑर्डर इसमें फोर होते हैं, इनका एलसीएम फोर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या जनरलाइज हुआ, देखिए ग्रुप का ऑर्डर कितना था, तो ग्रुप का ऑर्डर सबसे पहले तो देखिए एट थे, और एट ऑर्डर के इनके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है, एक ऑर्डर एट ऑर्डर के इनके पास एक भी एलिमेंट नहीं है ना, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये तो साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि इनके पास एक भी जनरेटर नहीं है। तो आप देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हुए, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं इस टाइप के ग्रुप में, तो हमने क्या निकाला था जेड सिक्स का ऑर्डर एट था, तो एट के क्या थे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं चेक करना है कि इनके डिवाइज़र, इनके डिवाइज़र नहीं देख रहे हैं, हमको इनका एलसीएम देखना पड़ता है, यानी कि जेड, तो ये आप इस तरह से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको क्या चेक करना है एलसीएम, एलसीएम निकाल के चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। फिलहाल हमने निकाल लिया है, तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर के कितने थे इन जेड टू क्रॉस जेड फोर, तो वन ऑर्डर के हमारे पास वन एलिमेंट्स थे, वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स थे वन थे, वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स थे वन, उसके बाद टू ऑर्डर्स के देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, टू इन इन जेड टू क्रॉस जेड फोर, तो टू ऑर्डर्स के कितने एलिमेंट्स देखिए एक दो यहाँ पर तीन, टोटल दो ऑर्डर्स के कितने एलिमेंट्स हैं तो तीन, दो ऑर्डर्स के कितने एलिमेंट्स तीन पाए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर
क्या तीन ऑर्डर के मिले थे? तो तीन ऑर्डर के नहीं थे, डायरेक्ट फोर ऑर्डर का मिला था। फोर ऑर्डर के कितने थे? जेड टू क्रॉस जेड फोर में, तो वन टू थ्री देख लीजिए, एक ये वाला निकाले थे वन वन थ्री का, फिर वन वन का, और ये तो फिर ये वाला वन जीरो थ्री। तो वन टू थ्री और ये फोर, टोटल चार एलिमेंट ऐसे मिले थे जिनका ऑर्डर फोर था। तो टोटल कितने हुए? टोटल काउंट कर लीजिए, चार तीन सात और एक आठ, जो हमारा ग्रुप था। तो यहाँ पर देखने वाली बात हुई कि Z2 क्रॉस Z4 इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। हालांकि Z2 एक साइक्लिक ग्रुप था और Z4 भी एक साइक्लिक ग्रुप था, तो साइक्लिक ग्रुप होने से इनका प्रोडक्ट भी साइक्लिक ग्रुप हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब बात आती है सामने कि तो कब होगा साइक्लिक ग्रुप? तो साइक्लिक ग्रुप तब होगा यदि, साइक्लिक ग्रुप कब होगा? तो हमने क्या पढ़ा था, Z2 क्रॉस Z3 साइक्लिक ग्रुप था। तो ये नोट कर लीजिए कि इफ Zm Zm क्रॉस Zn इज साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप होंगे इफ इनका GCD M और N का GCD कितना आ जाए, वन आ जाए। अगर आपके पास ऐसा तो ग्रुप मिल जाए जिनका इनका और इनका GCD कितना हो जाए, वन आ जाए, यानी कि ये और ये रिलेटिव प्राइम हो जाए, तो ये ग्रुप जो बनेगा ये हमेशा क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लिक ग्रुप बनेगा। फिर से बता देता हूँ कि Zm क्रॉस Zn साइक्लिक ग्रुप बनेगा, कब बनेगा? इफ इनका GCD, ये जो M है ये N है, इनका GCD कितना आ जाए, वन आ जाए, तो ये हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा।